Good evening and welcome to the Kapil Sharma Show. Shukriya. Love you. Mavla is completely set. Hey! तुझे कहा था बैंक खोलना है जाके तू जो पीएन की ड्रेस पहन के आ तू क्या कोटबैंड पहन के क्यों घूम रहा था शर्मा जी मैंने ठान लिया है कि मैंने छोटा काम कोई नहीं करना बस तूने ठान लिया है हाँ जी कभी 2 रुपए का अपनी जेब से पान लिया है तूने चल जाके चाय ले गया मैंने आपको बता दिया कि मैंने छोटा काम कोई नहीं करना बस एक काम कर जग में चाय ले आ चल जा एक बार बता बैठ जा बड़ा काम तेरे से होता नहीं अच्छा छोटा तूने करना नहीं तेरे को फांसी दे दूं मैं कल मैंने इसको बोला मैंने कहा बैंक का माहौल बनाना पूरे पैसे वैसे जमा कर ये जाके पड़ोसी है ना हमारा मोहन उसकी गाड़ी गिरवी रखा है बदतमीज तो ये भी बड़ा काम ही है और इसी की वजह से सारा अरेंजमेंट हुआ है आप मेरे को एक बात बताइए कि ये जो बैंक खोलने की हमें जरूरत पड़ क्या गई है फ्रंट पे थप्पड़ खाया कभी लिप्स पे ना तूने दुकान का टैक्स दिया ना मैंने घर का हाउस टैक्स दिया लाखों रुपया जमा हो गया बाहर निकाल के मारेंगे गवर्नमेंट वाले हमको ये सबसे अच्छा तरीका यही बैंक खोल लो इससे जल्दी पैसे कैसे आ सकते हैं ठीक है फिर मैं आपका साथ देने के लिए तैयार हूँ लेकिन मेरी एक शर्त है कि मैंने मैनेजर बनना है बस अच्छा कुछ लोगों की शक्ल ना ग्लूकोज वाले बिस्कुट जैसी होती है लेकिन एटीट्यूड ऐसा होता है जैसे क्रीम वाले बिस्कुट है चल जाकर फटाफट पैसे जमा कर मैं फटाफट तैयार होकर आता हूँ ठीक है जल्दी आए ना सिद्धू क्या टाइम आ गया भाई चिंटू बिल्डर का 1 करोड़ का नुकसान हो गया बताओ यार कैसे डॉक्टर साहब देखो उसने ऐड दी हुई है अखबार में कि एक 2 बेडरूम हॉल किचन फ्लैट है उसकी कीमत 1 करोड़ रुपए मैं ले नहीं रहा तो हो गया ना उसका 1 करोड़ का नुकसान तुम ले रहे हो मैंने नहीं लेना 2 करोड़ का नुकसान हो गया देखो यार खड़े खड़े अच्छा डॉक्टर साहब नुकसान ऐसे हो रहा है फिर तो मैं तो कहता हूँ 30-40 बार ना करवाओ मैं तो कहता हूँ 50 करोड़ का नुकसान होना चाहिए नहीं इतना नुकसान किसी का क्यों कराना है यार है ना शरीफ आदमी है बेटे मैंने देखा है कि आज कल ना जमाना बहुत ज्यादा खराब हो गया देखो ये देखो न्यूज कच्चाधारी गैंग है ना उसने 25 लाख रुपए का डाका डाला है अच्छा तो मैं सोच रहा हूँ कि जो मेरे पैसे है ना मैं किसी अच्छी जगह रखा दूं उसको रखा दो रखा दो रखा दो ये यहाँ पे अपना पिगी बैंक कब खुल गया यार आज ही खुला जी और मैं उसमें मैनेजर लग गया हूँ ओहो हो वाह 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 भाई हमारे बैंक में डॉक्टर मिश्रा बुलाटी आए हैं कैसे हैं आप अरे तुम ये पोस्टमैन बन के क्यों घूम रहे हो भाई यहाँ पे पोस्टमैन नहीं मैं चपड़ासी हूँ बैंक का छाती छाड़े करके तो ऐसे कह रहे हो जैसे किसी शो में सिद्धू जी लग गए हो डॉक्टर साहब पहली बार हमारे बैंक में आए क्या कौन सा खाता खोलूं आपका बचत खाता खोलूं या सेविंग खाता खोलूं चालू खाता मैं खोलूं? तो यहाँ पे छाता ना खोलूं तुम खाता खोलने की बात कर रहे हैं ये डॉक्टर साहब आप क्या बकवास कर रहे हैं आपको पता है दूसरे बैंक 5 साल में पैसा डबल करके दे रहे हैं हम 5 घंटे में पैसा डबल करके दे रहे हैं 5 घंटे में हाँ जी तो फिर तो मैं अपना सारा पैसा यहाँ जमा करा दूंगा फटाफट करा दीजिए फटाफट ये लो मेरा 150 रुपया पैसे जमा करवाने के लिए आए कि रिचार्ज करवाने के लिए आए देखो मैं पहले चेक कर लूंगा क्या अगर मेरा पैसा तुमने डबल कर दिया तो मेरे पास जितना भी सारा 1500 रुपया मैं सारा जमा करा दूंगा एक बार बोलो डॉक्टर साहब जब आपके यहाँ कोई हार्ट का ऑपरेशन करवाने आता है तो पहले आपके से जुकाम का ऑपरेशन करवाता क्या हो नहीं हमारे यहाँ कोई जुकाम का आता है तो हम उसका हार्ट का कर देते हैं वी आर डिफरेंट बट जो भी कहो मुझे कहीं कहीं तुम लोगों पे यकीन भी है इसलिए ये लो 1350 रुपये 150 आ गया टोटल हो गए 1500 मेरा 1500 जमा करा दो बहुत अच्छी बात है 1500 रुपये आपका जमा हाँ हो गया चलिए फटाफट निकलिए नहीं निकले नहीं मैं वो जो अपना स्लिप है वो तो किस चीज की स्लिप 1500 रुपये जमा करा रहा हूँ यार जब दुनिया में आए थे स्लिप लेके आए थे नंगे आए थे ना चलो भागो ये विश्वास नहीं हमारे पे यार कोट पैंट पहन कर कौन आता है नंगे आते हैं ना कोट पैंट पहन के कौन आता है सिद्धू जी नहीं ऐसे सवालों का जवाब वो देंगे मुझे नहीं पता चलो आपके पैसे हो गए जमा फटाफट निकलिए चलिए और भी लोग आने वाले चलो 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 ठीक है बच्चे कोई बात नहीं मैं शाम को आता हूँ है 4 बजे मेरे पैसे रेडी रखना रेडी 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 ओके 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 You guys rock. Thank you. नहीं compliment नहीं rock मतलब कि तुम्हारी पत्थर जैसी बुद्धि है. School में कभी किताब तो खोली नहीं और आज यहाँ पे इतना बड़ा bank खोल दिया. ये तो कुछ भी नहीं आज एक bank खोला कल हमने 10 खोल लेने हैं परसों हमने Swiss bank भी खोल लेना है. अच्छा जी. वैसे बात बताइए ये bank खोलने की क्या जरूरत थी आपको? मैडम मैनेजर मैं हूँ मुझसे बात कीजिए. अच्छा हाँ जी. तुम जाके चाय लेकर आओ मेरे लिए. मैनेजर मैं हूँ. जी
बताइए। चाय आप लेकर आइए, मैनेजर मैं हूँ, मुझसे बात कीजिए। शक्ल नहीं ना मैनेजर वाली, तो वो क्या करे, आओ बैठो उधर। मुझसे बात कीजिए, बताइए। अच्छा तो मैनेजर साहब ये बताइए कि डॉलर का क्या भाव चल रहा है आजकल? डॉलर? हेलो, जवाब तुम दो, चाय मैं लेकर आता हूँ। जी मैडम बताइए, कौन सा अकाउंट खोलूं आपका? आपके मेरे अकाउंट खोलने लगे? हम बैंक के एम्प्लॉई हैं, हम नहीं अकाउंट खोलेंगे तो कौन खोलेगा? देखिए वैसे मेरे बॉयफ्रेंड्स बहुत हैं, मैं आपको ये बता दूं, आई मीन टू से दैट मैं बहुत ही खुले हुए विचार रखती हूं, लेकिन बैंक में मेरा सिर्फ एक ही अकाउंट है, क्योंकि मैं तो पैसे डाकघर में जमा करवाती हूं ना। मैडम विराट कोहली का जमाना चल रहा है, आप राणा तुंगा पे पैसे लगा रही हैं। इधर जमा कराइए हमारे बैंक में, 5 घंटे में पैसे डबल और 6 घंटे में खत्म। Oh mama, I'm just feeling like a you know cheerleader wearing a top and a Johnny. Yes papa. विराट का नाम लेके वैसे मना लिया आपने मुझे। विराट का जादू ही ऐसा है मैडम, वो सब मान जाते हैं। उसने अनुष्का को दोबारा मना लिया, पता। अच्छा बताइए आप कौन सा अकाउंट खुलवाएंगे आप, करंट अकाउंट या सेविंग अकाउंट? दोनों में क्या फर्क है? फर्क मेरे को, मैं बता देता हूँ, मेरे को भी आइडिया पूरा। इधर आइए फटाफट आइए, फटाफट आइए, उंगल दीजिए अपनी उंगली, उंगली दीजिए। ओके मेरे को यह चेक करना था कि यही करंट अकाउंट है ना। हाँ जी बताइए, बताइए फिर मैडम, करंट अकाउंट है कौन सा अकाउंट है? अरे क्या बताऊँ, ये करंट अकाउंट है, तो इस हिसाब से ये सेविंग किट पड़ी यहाँ पर, तो ये सेविंग अकाउंट हो गया। आपको तो सारी बैंकिंग आती है, आपको तो बताइए आप फटाफट कौन सा अकाउंट खुलाना है। देखिए ऐसे में करंट अकाउंट नहीं खुलवा सकती हूँ, सबसे पहले चेक करना पड़ेगा मेरे बैलेंस में पैसे कितने हैं। एटीएम मशीन? एटीएम मशीन नहीं है आपके बैंक में? एटीएम मशीन जी, वो देखिए वो क्या। आपने धोखा किया, मतलब एटीएम मशीन की जगह वेट मशीन रख दी। देखिए मैडम अभी हमारा बजट थोड़ा कम है, हमने सोचा कि जैसे जैसे पैसे आएंगे और बढ़ा देंगे। आप आइए अकाउंट खोल ले, आप आ जाओ, आ जाओ फटाफट। माय गॉड, योर लॉजिक इज लाइक अ बाबा ब्रेकशिप गुलगुल अंडा। बोर्ड मेंबर्स की बात करें, लग रहा बहुत बड़ा बाप का बैंक है, लेकिन सिर्फ 2 जन दिख रहे हैं यहाँ, मतलब सिक्योरिटी वगैरह के लिए कौन है यहाँ पर? सिक्योरिटी मतलब क्या है, 14 कैमरे लगे हुए, सिद्धू जी देख रहे, साथ में पूरी कंट्री देख रही, और क्या सिक्योरिटी चाहिए आपको? एक बात बताइए, ये लॉजिक आप घर पे बनाते हैं या ऑर्डर पे बनवाते हैं? ये तो डिपेंड करता है जी, डिमांड कितनी है। ये तो 200 कप जो चाय बनाते हैं उनके लिए 2-4 लॉजिक बनाना मामूली बात है। अपनी शक्ल से भी घटिया बात की है इसने, इस पर तो मैं 2 साल के लिए बैन लगवा दूंगी। आपके हेड कहाँ है? हेड वो है, वो बाहर है। आपके हेड का नाम क्या है? माल्या। बजाज माल्या? बजाज माल्या। ये क्या नाम हुआ? देखिए वो अखबारों में आता ना जैसे उल्टा सीधा एक समान, वो आप फोटो कहीं से भी देखें आपको सेम नजर आएगी। ऐसे करोगे बुढ़ा तो भी देखो, तो भी बुढ़ा। देखिए वो आप नाम में क्या रखा मैडम, काम देखिए ना आप, 5 घंटे में पैसे डबल कर देते। 5 घंटे में? ऐसे कैसे? वो रिस्पेक्टेड जुआरी हैं जी। ना बाबा ना ना ना, मैं ऐसे जुआरियों के बैंक में तो पैसा नहीं जमा करवा रही। मैडम बंदा जेल में मेहनत कर रहा है, आप घर में जेल में बैठा बैठा अंदा आपके लिए पैसे कमा रहा है, 5 घंटे में पैसा डबल कर रहा है, मैंने जुड़ा कमा रहा आपका। देखिए टैलेंट वैलेंट कुछ नहीं होता, आपका टैलेंट की कदर करने लगे तो यहाँ पे गर्दन मच जाएगी। मैं नहीं करवा रही, मेरे पैसे इधर उधर हो जाएगा भाई। हो ही नहीं सकता मैम, आप एक काम कीजिए, आप अपने नोटों पे निशानी लगा दीजिए। अच्छा अब मैं बैठ कर आप एक एक नोट पे निशानी लगाऊं? एक काम करते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते, जैसे ये नोट है ना इस पे आपकी फोटो लगा के देंगे हम। व्हाट? हां यार द लॉजिक इज गोइंग लाइक ए मिस एसिडिटी ऑन माय लंग्स। थैंक यू। शट अप। आप क्या अपना फ्रॉड करते, नकली नोट छापते? नकली नोट? एक मिनट, 500 रुपए? आप जैसे कस्टमर्स को पीटने के लिए ना मैंने 2 बाइयां रखी हैं बाहर, 6-6 फीट की। देखो मैडम नकली नोट, नोट कौन छापता है? सरकार। सरकार को बनाता है हम। अगर हम सरकार बना सकते, 2-4 नकली नोट नहीं छापने का हक है हमें।